हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2022-23 यूथ कंपटीशन टाइम्स का सबसे लेटेस्ट बुक है 13706 प्लस। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है। संख्या पद्धति को हमने स्टार्ट किया है, पहला चैप्टर आपका है, और टाइप वन भी हमने पूरा करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 45 तक था उसमें। अब आज टाइप 2 को पूरा करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 62 तक दिया गया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन 46 नंबर पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 31 मार्च 2016 को शिफ्ट 1 में 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। यहाँ पर आपको सबसे पहला संख्या कौन होगा, 20। तो इकाई दहाई के स्थान पर 2 आ रहा है। उसके बाद 21, इकाई दहाई के स्थान पर 2 है। उसके बाद 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27, 28 और लास्ट 29। तो देखिए, यहाँ पर दहाई के स्थान पर 2 है, यहाँ भी दहाई के स्थान पर 2 है। दहाई के स्थान पर आपको दिख रहा होगा क्लियरली कितना है, 2 है। तो ये टोटल कितना संख्या है, तो 1 से लेकर 9 तक ये आपका 9 संख्या हो गया, और 1 ये, मतलब टोटल आपका कितना, कुल ऐसा कितना संख्या है, तो कुल 10 संख्याएं ऐसा है जिसके दहाई के स्थान पर कितना है, 2 है। 1 से 100 तक की गिनती में कुल 10 संख्याएं ऐसी है जिसके दहाई के स्थान पर अंक 2 आता है, और वो कौन कौन संख्या है, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। तो देखिए, 10 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 10, यही आपका करेक्ट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी आरपीएफ एसआई 16 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 5 20 बार आता है, और 20 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया है 20, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहे हैं, क्या होता है, जो देखिए ट्रिक आपको ध्यान रखना है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में सबसे पहले 0 कितना बार आता है, तो 0 कितना बार आता है, ये आपको ध्यान रखना है कि 0 11 बार आता है। 1 कितना बार आता है, तो 1 आता है 21 बार, और 2 कितना बार आता है, तो 2 आता है 20 बार। उसके बाद 3 कितना बार आता है, तो 3 भी आता है 20 बार। यानी कि अब जो भी संख्या बचा 4, 5 इसी तरह से 9 तक, ये सारा आपका कितना बार आता है, तो 20-20 बार सारा आता है। यानी कि 4 भी 20 बार आता है, 5 भी 20 बार, 6 भी 20 बार, 7 भी 20 बार, 8 भी 20 बार और 9 भी 20 बार आता है 1 से 100 तक की गिनती में। ये आपको टेबल ध्यान रखना है, तो ऐसे प्रश्न को आप मौखिक बना सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है, तो यहाँ पर देखिए, यहां से आपको क्लियरली देखना चाहिए कि 2 से लेकर 9 तक सारा जो है 20-20 बार आता है, तो 5 के बारे में पूछा है, तो 5 कितना बार आता है 1 से 100 तक की गिनती में, तो 5 20 बार आता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर देखिए 48, ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 को शिफ्ट 1 स्टेज 1 वाले एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ी आपको दिख रहे होगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से हम आपको देने जा रहे हैं बाय ऑप्शंस मेथड। अगर जो आप बेसिक से बनाइएगा तो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आपको यहाँ पर बाय ऑप्शंस बनाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको समय की बचत करना है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वैसे वैसे ऑप्शंस को भी देखते चलेंगे, तो ऐसे प्रश्न को बाय ऑप्शंस बनाते हैं। यहाँ पर हमने चारों ऑप्शंस को लिख दिया है, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चंस हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला लाइन क्या लिखा है, 5 अंकों वाली एक संख्या में, तो देखिए चारों ऑप्शंस में 5 अंक देखना चाहिए, 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5, यानी कि चारों ऑप्शंस में 5 5 अंक है। आगे क्या लिखा है, सैकड़े के स्थान पर मौजूदा अंक 2 है, तो यहाँ पर देखिए सैकड़ा के स्थान पर 2 रहना चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 2 है, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर भी 2 है, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर भी 2 है, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर भी आपका 2 है। यानी कि चारों ऑप्शंस में सैकड़े के स्थान पर कितना है, 2 लिखा गया है। आगे देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा है, और इकाई के स्थान पर मौजूदा अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूदा अंक से दुगना है, मतलब ये जो सैकड़ा का स्थान आपका है 2, यहाँ जो लिखा गया है इसका दुगना है इकाई के स्थान वाला। तो यहाँ पर देखिए 2 का दुगना आपको दिख रहा है ना, 2 का दुगना 4, यहाँ पर ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर भी ये 2 का दुगना दिख रहा है ना 4,
और यहां पर भी दो का दुगना ये आपको दिख रहा है कितना चार है, और यहां पर भी दो का दुगना चार है। अभी तक तो चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे देखिए क्या लिखा गया है, संख्या में हजार के स्थान पर शून्य है। अब देखिए हजार के स्थान पर, डेट मीन्स यहां पर देखिए संख्या में हजार के स्थान पर शून्य है, इस तरह से लिखा गया है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर शून्य है, क्लियरली आपको दिखना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर शून्य है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ भी हजार के स्थान पर शून्य है, और यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ भी हजार के स्थान पर शून्य है। अब देखिए आगे लिखा है क्वेश्चन में, दस हजार के स्थान पर मौजूदा अंक, सैकड़े के स्थान पर मौजूदा अंक और इकाई के स्थान पर मौजूदा अंक के योग के बराबर है। डेट मीन्स कहने का मतलब दस हजार के स्थान पर मौजूदा अंक कितना है, तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, यहाँ पर आपका कितना है, दस हजार के स्थान पर मौजूदा अंक कितना है, छह, और यहाँ पर भी छह है, यहाँ पर भी छह है, और यहाँ पर भी छह है, मतलब चारों ऑप्शन में दस हजार के स्थान पर मौजूदा अंक छह है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है कि दस हजार के स्थान पर मौजूदा अंक, फिर कॉमा लिखा है, सैकड़े के स्थान पर मौजूदा अंक और इकाई स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर है। यानी कि ये जो आपका छेद दिया है दस हजार के स्थान पर, तो ये किसके बराबर है, तो यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर जो अंक है और इकाई के स्थान पर जो अंक है, दोनों के योगफल के बराबर है। यानी कि दो प्लस चार करने पर आपका छह हो रहा है, यहाँ देखिए दो प्लस चार करने पर आपका छह हो रहा है, यहाँ भी दो प्लस चार करने पर आपका ये छह हो रहा है, और यहाँ भी दो प्लस चार करने पर आपका ये छह हो रहा है। मतलब अभी तक इतना तक सभी सेटिस्फाई कर गया। आगे देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा है, दहाई के स्थान पर मौजूद अंक दस हजार के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है। दहाई के स्थान पर मौजूद अंक है जो दस हजार के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है। तो यहाँ पर देखिए दस हजार का जो स्थान है ये आपका छह है, यहाँ पर लिखा गया है, तो दहाई के स्थान पर कितना रहना चाहिए, एक कम, यानी कि छह से एक कम कितना, पांच। तो यहाँ पर देखिए दहाई के स्थान पर तीन है, यहाँ पर होना चाहिए कितना, पांच होना चाहिए, यानी कि पांच आपका तीन के बराबर नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए छह है लेकिन दहाई के स्थान पर होना चाहिए छह से एक कम, यानी कि यहाँ पर आपका पांच होना चाहिए, यानी कि दो आपका पांच के बराबर नहीं है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन भी नहीं हुआ। डी नंबर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपका छह है तो दहाई के स्थान पर कितना होना चाहिए, छह से एक कम, यानी कि पांच होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका छह है जबकि होना चाहिए पांच, यानी कि ये बराबर नहीं है, इसलिए आपका डी नंबर भी ऑप्शन नहीं हुआ। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्या लिखा है, ये आपका दस हजार के स्थान पर छह है और इससे एक कम है दहाई के स्थान पर, मतलब ये ऐसा लिखा गया है, तो ये आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। तो अगर जो हम क्वेश्चन में उल्टा चलते, यानी कि अंत में जो लाइन लिखा गया है, सबसे अंत में जो लाइन लिखा गया है उसका अगर जो यूज करते तो इसमें समय की ज्यादा बचत होती। तो ऐसे प्रश्न को आपको अंत से बनाना है, यानी कि जो प्रश्न में लिखा गया है उसका अंतिम लाइन देखना है। अगर जो हम डायरेक्ट अंतिम लाइन देखते कि दहाई के स्थान पर मौजूद अंक दस हजार के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 आरआरबी एनटीपीसी 8 फरवरी 2021 शिफ्ट वन स्टेज फर्स्ट वाले एग्जाम में पूछा गया है। 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जब भी आपको सबसे छोटी संख्या लिखना है तो जो कंसेप्ट बताने जा रहे हैं वो देखिए, तो आप तुरंत बना सकते हैं, इसमें आपको तनिक भी समय नहीं लगेगा, सबसे पहले आप बना सकते हैं। क्या कंसेप्ट होता है वो पहले जानिए। सबसे पहले अंकों को आपको आरोही क्रम, एसेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, प्रथम दो अंकों को यानी कि फर्स्ट टू डिजिट्स को इंटरचेंज कर देना है। मतलब आप जीरो से शुरू करेंगे तो जीरो को दूसरा स्थान पर दे देना है और जो दूसरा स्थान पर संख्या था उसको पहला स्थान पर कर देना है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में हम लिख रहे हैं यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे लिखना है। तो सबसे पहले जीरो लिखेंगे, उसके बाद तीन, उसके बाद पांच, उसके बाद छह। तो इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये दोनों को इंटरचेंज करना है। मतलब जीरो के स्थान पर हमें तीन को लिखना है और तीन के स्थान पर जीरो को लिखना है। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा,
यहाँ पर तीन हो जाएगा, जीरो के स्थान पर तीन को लिखना है और तीन के स्थान पर जीरो को लिखना है। फिर पांच और छह यानी कि 3056 ये आपका चार अंकों वाली संख्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट वाले एग्जाम में पूछा गया है। अंक 2, 3, 4, 0, 5 से बनी पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको ये अंक दिया गया है तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको बढ़ते क्रम में हम सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में यहां पर सजाते हैं, देखिए ध्यान से, सबसे पहले 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 4 और फिर 5। अब क्या करना है, फर्स्ट टू डिजिट को इंटरचेंज करना है, यानी कि 0 को आपको 2 के स्थान पर लिख देना है और 2 को 0 के स्थान पर लिख देना है, यानी कि यहां पर 0 के स्थान पर 2 हो जाएगा और 2 के स्थान पर 0 हो जाएगा और 3, 4, 5 ये आपका हो गया। तो 20,345 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, यह आपका ऑप्शंस नंबर दिया गया है डी नंबर ऑप्शंस। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस नंबर 51, क्वेश्चंस नंबर देखिए 51 पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट वाले एग्जाम में। क्या लिखा है क्वेश्चंस, 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0, 4, 6 अंकों से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, मतलब रिपीटेशन अलाउ है, यानी कि अंकों को आप दोहरा सकते हैं। यहां पर आपको तीन अंक दिया गया है, 0, 4 और 6, आपको क्या बनाना है, 6 अंकों की संख्या बनाना है। आपके प्रश्न में दिया है 6 अंकों की संख्या आपको बनाना है, तो 6 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या बनाना है और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो 6 अंकों की सबसे पहले हम यहां पर छोटी संख्या बनाते हैं। तो छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, आपको हमने कंसेप्ट बताया है कि बढ़ते क्रम में लिखते हैं और बढ़ते क्रम में लिखने के बाद क्या करते हैं, प्रथम दो अंकों को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहां पर हम पहले ही इंटरचेंज कर देते हैं, यानी सबसे पहले क्या लिखाएगा, 4, उसके बाद 0। हालांकि सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे पहला स्टेप, तो 0 लिखाएगा उसके बाद 4 लिखाएगा, लेकिन एक स्टेप हम आगे की ओर जा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले 4 लिखे उसके बाद 0। अब अपने मन से कितना भी आगे 0 कितना हम दे वो आपको देखना है, यानी कि देखिए 6 अंकों की हमें बनाना है, 2 अंक तो हो गया, तो 4 अंक हम यहाँ पर 0 दे सकते हैं, ये आपका हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, 400,000 हो गया, लेकिन हमें एक अंक और दिया है, 6 भी दिया है, तो यूनिट डिजिट यहां पर हम 6 इसको दे देते हैं। तो ये आपका हो गया जो सबसे छोटी संख्या हो गया, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। क्यों, क्योंकि 0, 4, 6 का हमें प्रयोग करना है, तो 0, 4, 6 का यूज करके 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, 400,006। अब क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या हमें बनाना है, यहां पर लिख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए क्या करना है, यहां पर सबसे बड़ी संख्या में बनाना है तो घटते क्रम में लिखते हैं, तो घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आपको 6 को लिखना होगा, तो 6 को ही हम यहां तक लिख सकते हैं, यानी कि 4 अंक तक, यानी कि इस तरह से, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लिख देते हैं 4 और लिख देते हैं 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये दोनों का क्या पूछ रहा है, योगफल, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 6 + 0 तो 6 हो जाएगा, 0 + 4 तो 4 हो जाएगा, 0 + 6 तो 6 हो जाएगा, 0 + 6 तो 6, 0 + 6 तो 6, 4 + 6 तो 10, यानी कि 1,0,666 कौन सा ऑप्शन है, 51 का ऑप्शन नंबर डी में ये आपका दिया गया है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर देखिए 52 पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 10 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट वाले एग्जाम में। क्या है क्वेश्चंस, 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है। यहां पर हम लिख रहे हैं 301 से कितना लिखा है प्रश्न में, 399 तक, 399 तक क्या बोला है, अंक 3 कितनी बार आता है, ये आपका क्वेश्चंस हो गया, अंक 3 कितनी बार आता है, ये हमने एक बार क्वेश्चंस लिख दिया है ताकि आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिखे जब हम यहाँ पर क्वेश्चंस हटा दे। तो अब देखिए क्वेश्चंस 301 से 399 तक अंक 3 कितनी बार आता है, तो यहाँ पर देखिए 301 में टोटल कितना अंक है, तो 3 अंक है, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पर या दहाई के स्थान पर या सैकड़ा के स्थान पर
तीन कितनी कितनी बार आता है वो आपको पता करना है, फिर इकाई के स्थान पर तीन कितनी बार आता है और दहाई के स्थान पर तीन कितनी बार आता है, सैकड़ा के स्थान पर तीन कितनी बार आता है, सभी को जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं इकाई स्थान पर, उसके बाद प्लस दहाई स्थान पर, और उसके बाद क्या लिखते हैं सैकड़ा के स्थान पर, यानी कि तीन कितनी कितनी बार आता है ये हमको जोड़ना है। तो यहां पर सबसे पहले मान लीजिए कि सैकड़ा के स्थान पर हमें जोड़ना है, तो देखिए ध्यान से समझना है क्या लिखा है क्वेश्चन में, 301 से 399 तक, यहां पर लिख रहे हैं 301 से 399 तक। तो यहां पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर यहां पर आपका तीन है, तो यहां पर 301 होगा, फिर 302 होगा, फिर 303 होगा, इसी प्रकार से लास्ट कितना होगा 399। तो यहां पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर आपको तीन दिख रहा है, तो ये कितना बार होगा, एक दो तीन, इस प्रकार से 99 तक है, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर तीन कितना बार है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, इसी प्रकार से लास्ट कितना है तो 99 बार, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर तीन कितना बार होगा तो 99 बार होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए सैकड़ा के स्थान पर हमने निकाल लिया, अब आपको क्या करना है दहाई के स्थान पर निकालना है, तो दहाई के स्थान पर हम निकाल रहे हैं, ध्यान से आपको समझना होगा दहाई स्थान पर तीन कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले यहां पर तीन रहना चाहिए इकाई दहाई, तो यहां पर आपका तीन है, यानी कि यहां पर हम तीन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा इस तरह से थ्री, और यहां पर सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं जीरो लिख सकते हैं, उसके बाद 330 के बाद कितना होगा यहां पर, फिर 331 होगा, उसके बाद कितना होगा 332 होगा, इस तरह से ये आपका कहां तक जाएगा तो 339 तक जाएगा। यहां पर देखिए इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर आपको तीन दिख रहा है, तो कितना बार ये है मतलब एक से लेकर नौ तक, तो ये तो आपका नौ बार हो गया और एक बार ये, यानी कि 10 बार, दैट मीन्स दहाई के स्थान पर आपका जो तीन है अंक कितनी बार आ रहा है तो 10 बार, तो यहां पर हमने 10 लिख दिया प्लस। अब इसके बाद देखिए ये कौन कौन 10 बार आता है, तो 330, 331, 332, इसी प्रकार से 333, 334, 335, 336, 337, 338 और 339 में दहाई के स्थान पर अंक तीन आ रहा है, तो ये टोटल आपका 10 संख्या है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम लिख रहे हैं, ये बार हम हटा देते हैं बार जो लिखा है, अब देखिए इकाई के स्थान पर कितनी बार आ रहा है, इकाई के स्थान पर यानी कि तीन कितनी बार आता है जो हम निकालना चाह रहे हैं, तो इकाई के स्थान पर निकालना है, यानी कि यहां पर आपको देखना है, तो जो लिखा गया है पहले लिखते हैं 301 से 399 तक आपको देखना है, तो यहां पर तीन रहना चाहिए, यानी कि देखिए सबसे पहले 301 होगा, 302 होगा, 303, इस तरह से संख्या आपका लिखा रहेगा, 304 डॉट डॉट कहां तक, 399 तक। अब ध्यान से आपको समझना है, तो सबसे पहला संख्या कौन है जहां पर आपको इकाई के स्थान पर तीन दिख रहा है, तो यहां पर आपको तीन दिख रहा है 303 में, उसके बाद कहां पर होगा 313 में होगा, यानी कि 303 आपका पहला संख्या है जहां पर इकाई का अंक तीन है दिख रहा है क्लियरली, उसके बाद 313 होगा, यहां पर इकाई के स्थान पर तीन दिख रहा है, 313 के बाद 323 होगा, इकाई के स्थान पर यहां पर आपको क्लियरली तीन दिख रहा है, 13 23 यानी कि 10 10 के अंतराल पर, उसके बाद 33 यानी कि 333 में इकाई के स्थान पर तीन है, 333 के बाद 343 इकाई का स्थान पर तीन है, इसी प्रकार से 343 के बाद कितना होगा 353 इकाई के स्थान पर तीन है, 353 के बाद 363, उसके बाद 363 के बाद यहां पर हम लिख देते हैं कितना होगा 373 होगा, 373 का इकाई का अंक तीन है, उसके बाद 383 का इकाई का अंक तीन है, उसके बाद 393 का इकाई का अंक तीन है, तो यहां पर देखिए टोटल कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी आपका 10 हो गया। तो अब जोड़ लीजिए, यानी कि 10 प्लस 10 20, 99 प्लस 20 यानी कि हम जोड़ देते हैं 99 प्लस 20 तो कितना हो गया 119। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 15 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट वाले एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए यहां पर लिखा गया है दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है, तो चारों ऑप्शंस को देखिए, पहला ऑप्शन यहां पर दिख रहा है 7 प्लस 1 तो अंकों का योग 8 है, 3 प्लस 5 यहां भी अंकों का योग 8 है, 6 प्लस 2 यहां पर भी अंकों का योग 8 है, 26 में 2 प्लस 6 यहां भी अंकों का योग 8 है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है, यानी कि अब 36 जोड़कर देखिए, तो
26 में हम अगर जो 36 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 6 6 12 के 2 बाकी 1, 3 और 2 5 बाकी 1 6। तो यहां पर 26 है तो इसका उल्टा हो रहा है 62, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 क्वेश्चन नंबर देखिए 54 पूछा गया है आपका आरआरबी एनटीपीसी 13 मार्च 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट वाले एग्जाम में। यदि संख्या 2893 हच डॉलर कॉमा 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है तो हच और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंक क्रमशः क्या होंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में कि हच और डॉलर के स्थान पर क्या आएगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो बाई ऑप्शन ऐसे प्रश्न को बनाते हैं, और अगर जो बाई ऑप्शन नहीं भी बनाना चाहे तो 5 से विभाजता का क्या नियम होता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी कि डॉलर के स्थान पर कितना होना चाहिए, या तो 0 हो या कितना हो, 5 हो। तो देखिए ऑप्शंस में कॉमा के बाद आपको क्या दिया गया है, तो यहां पर देखिए अगर जो हम ऑप्शंस नंबर देखते हैं डी नंबर ऑप्शंस, तो डी नंबर ऑप्शंस में लिखा है 2.0, तो हम डी नंबर ऑप्शंस को लेकर चल रहे हैं 2.0, यानी कि यहां पर आपका डॉलर के स्थान पर 0 हम फिक्स कर रहे हैं। तो क्या हो गया 2893 हच और यहां पर 0 हम दे देते हैं। अब यहां पर हच के स्थान पर हम कितना रख रहे हैं, 2, क्योंकि ये 0 तो हमने यहां पर रख दिया है, डॉलर के स्थान पर हमने क्या रखा है, डॉलर के स्थान पर हमने 0 रखा है, तो हच के स्थान पर 2 रखना होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हम चल रहे हैं। तो यहां पर क्या रख रहे हैं, 2, यानी कि 2893 20। अब देखिए आपका ये संख्या हो गया, तो इकाई का अंक कितना है, 0 है, तो ये तो 5 से डिविजिबल है। अब उसके बाद 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट, यानी कि 8 से विभाजक के क्या नियम होता है, अंतिम तीन अंक अगर जो 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो अंतिम तीन अंक आपका 320 है, तो 320 में 8 से भाग लगाइए तो 8 चौके 32 40 बार में भाग लग जाता है, यानी कि ये संख्या है जो पूरा 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी लेने पर आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर देखिए 55 पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट वाले एग्जाम में। क्या लिखा है क्वेश्चन, यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल कितना होगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 1,00,000, यानी कि 1 पे 5 0, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 9999, ये दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,00,000 सबसे पहले हमने लिखा, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, ये हमने इस तरह से लिख दिया। तो अब इसको क्या करना है, आपको घटा देना है, तो यहां पर घटा रहे हैं, 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहां 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, और ये आपका 10 था तो 5 लिए थे तो ये आपका 9 हो गया, यानी कि 90001 कौन सा ऑप्शन है, तो 55 का ऑप्शन नंबर डी में आपका ये दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपका आरआरबी एनटीपीसी 11 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट वाले एग्जाम में। 95.75 जो लिखा है, मैंने यहां लिख रहे हैं 95.75, और क्या लिखा है 0.02554 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट आपको पूछ रहा है, मतलब इसके गुणनफल में दाईं ओर से कितने अंक होंगे। तो यहां पर देखिए कितना अंक है दाईं ओर से, मतलब 2 अंक आपको दिख रहा है, यहां पर आपका 2 अंक है सार्थक अंक है, यानी कि 2 सार्थक अंक दिख रहा है, 2 यहां पर लिख देते हैं 2 सार्थक अंक, और यहां पर आपको कितना सार्थक अंक दिख रहा है क्लियरली, तो यहां पर आपका 1 2 3 4 यहां पर आपका 4 सार्थक अंक है, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट यहां पर कितना है 4 है। तो गुना में क्या होता है, जोड़ा जाता है, यानी कि ये 2+4, ये 2 को हम इस तरह से 2 लिख सकते हैं, 4 को इस तरह से 4 लिख सकते हैं, मतलब 2+4 तो टोटल कितना होगा 6, यानी कि कुल 6 सार्थक अंक होंगे, इस तरह से लिख सकते हैं कुल 6, या इस तरह से भी लिख सकते हैं सार्थक अंक होंगे। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 56 का ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है 6, यही आपका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57
क्वेश्चंस नंबर देखिए 57 आपका पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट वाले एग्जाम में क्या लिखा है। क्वेश्चंस निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, बी ए गुना बी थ्री बराबर 57 ए है, तो बाई ऑप्शन चलते हैं, ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन बनाना चाहिए और ऑप्शन नंबर आपको देखना होगा तीसरा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन, ए बराबर दिया है 5 और बी बराबर कितना दिया है 2, तो यहां पर देखिए ए के स्थान पर हम 5 लिखेंगे और बी के स्थान पर 2 लिखेंगे, तो यहां पर बी के स्थान पर हम 2 लिख रहे हैं और ए के स्थान पर 5 लिख रहे हैं, यानी कि 25 हो गया गुना बी के स्थान पर 2 लिखना है और 3 पहले से ही दिया है, और यहां पर ये दोनों को गुना करेंगे तो यहां पर देखिए जो भी होगा हम लिखेंगे यहां पर जो होगा, और इसके बाद देखिए ये आपको इधर दिख रहा है 57 ए के स्थान पर कितना, तो ए के स्थान पर आपका 5 है, तो गुना करके देख लीजिए 25 75 के 5 बाकी 7 25 50 और 7 57 ऐसा हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का आंसर है, तो ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन कब पूछा गया है, जो पहले जानिए, आरआरबी एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट वाले एग्जाम में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताइए, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 999 छह बार लिखेंगे और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100,000 होगा, मतलब 1 पर 5 0, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये दोनों का क्या पूछ रहा है अंतर, तो यहाँ पर घटा देते हैं, तो ये आपका 999 ये तो 5 बार रहेगा और यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि 8 और ये आपका 49, कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो 58 का डी नंबर ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पूछा जा रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 8 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट वाले एग्जाम में, यहाँ पर योगफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो लिखा गया है यही लिख देते हैं, यही तो आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर इस तरह से आपको लिखा गया है, इसको आपको सिर्फ जोड़ना है, तो यहाँ पर ये 5 9 तो इस तरह से होगा और 9 1 कितना हो जाएगा 10, ये भी आपका डी नंबर ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है आपका, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 फिजिक्स एंड मैथ्स 21 जनवरी 2019 शिफ्ट 3rd में 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वह x है, x के अंकों का योग क्या है, ये आपका बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, तो 1 पे 4 0 यानी कि 10,000, तो 10,000 में आपको क्या करना है 97 से भाग देना है, तो यहां पर 97 एकम 97, 3 शेष बचेगा, फिर ये 0 लिखेंगे, अभी भाग नहीं लगेगा तो यहां पर 0 देकर 1 अंक और लिखेंगे, अब 97 3 कितना होगा 7 21 के 1 बाकी 2 9 3 27 और 2 29, 300 में से 291 घटा देंगे तो 9 शेष बचेगा, 97 और 9 का अंतर कितना का है, यानी कि 97 माइनस 9 तो 88 का अंतर है, यानी कि संख्या जो x बोल रहा है कितना हो गया, तो ये 10,000 में आपको ये अंतर जोड़ना होगा, यानी कि कितना हो गया संख्या आपका 10,088, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, 10,088 ये हमने लिखा। अब इसके बाद इसके अंकों का योग करना है, यानी कि 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8, योगफल कितना हो गया अंकों का योगफल 17, ये कौन सा ऑप्शन है, तो सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 17 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं, तो दहाई का अंक 10 से शुरू होता है, 10 में आपका दहाई का अंक 1 है, उसके बाद 11 12 इस तरह से 99 तक होता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 10 से 99 तक कितना अंक है दहाई का अंक आपको ये बताना है, तो देखिए क्या करना है आपको, यानी कि लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 ये आपको यूज करना है, तो 99 माइनस 10 प्लस 1, 99 माइनस 10 कितना होगा 89 प्लस 1 यानी कि 90 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन दिया है, ये आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया है 90, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 शिफ्ट 1 में 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना
दूसरी संख्या के दुगने से पांच अधिक है, तो हम यहाँ पर पहली संख्या को एक्स मानते हैं, तो दूसरी संख्या इसका अगला संख्या है मतलब लगातार संख्या है, तो इससे एक ज्यादा होगा यानी कि एक्स प्लस वन होगा दूसरी संख्या। क्वेश्चन में लिखा है पहली संख्या का तीन गुना, यानी कि इस तरह से एक्स का तीन गुना किसके बराबर है, तो दूसरी संख्या के दुगुना से पांच अधिक है। दूसरी संख्या एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन का पहले दुगुना करेंगे और इससे पांच अधिक है, तो अब इसको सोल्व करना है। ये तीन एक्स हो गया, इधर टू एक्स प्लस टू, और यहां पर ये प्लस आपका फाइव। अब देखिए थ्री एक्स माइनस टू एक्स बराबर सेवन हो गया, तो एक्स का मान सात, यानी कि पहली संख्या एक्स माने थे ये आपका सात हो गया, दूसरी संख्या हमने माना था एक्स प्लस वन यानी कि सात प्लस एक, तो ये आपका आठ हो गया। दोनों कर्मागत संख्या कितना हो गया, सात कौमा आठ। कौन सा ऑप्शन दिया है, सी नंबर ऑप्शन दिया है, यही आपका आंसर है। इसके बाद देखिए आपका टाइप थ्री शुरू है, तो टाइप थ्री आपका तिरसठ नंबर से कितना दिया गया है, ये आप देख सकते हैं तिरसठ नंबर से चौरानवे नंबर तक दिया गया है, क्लियरली आपको दिखना चाहिए तिरसठ से चौरानवे तक है, उसके बाद टाइप फोर शुरू है। तो नेक्स्ट वीडियो आपका टाइप थ्री भी पूरा करावेंगे एक ही वीडियो में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यूथ कंपटीशन टाइम्स का सबसे लेटेस्ट न्यू बुक है आरआरबी 2022-23, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं ग्रुप डी एग्जाम के पहले ही, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में जरूर सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आप नोटिफिकेशंस के थ्रू आने वाले वीडियो को देख सकेंगे, या आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा।